करतारपुर साहब की पावन धरती लाहौर तो लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब के ज़िला नारोवाल की तहसील शकरगढ़ के करीब ही है। ऐजरखेज़ इलाका दरियाए रावी के कंडे ते आबाद है ते पाक इंडिया बॉर्डर तो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबा जी ने इस जगह नूं खुद वसाया ते इस दा नाम करतारपुर रखिया। करतार दा मतलब खालक ते पुर दा मतलब बस्ती है, यानी रब दी बस्ती। बाबा जी ने अपनी हयाती दे आखरी 18 साल इत्थे ही गुजारे, खुद खेतीबाड़ी करदे ते रब दी इबादत विच लीन हो जांदे। बार्डर दे करीब होण करके सिख मत दे मनण वालियां नूं बार्डरों पार दूरबीन नाल दरबार साहब दे दर्शन करने पैंदे और ए मंजर बहुत ही जज्बाती हुंदा सी। पाकिस्तान दी गौरमेंट ने सिख धर्म दीयां भावनावां ते जज्बात नूं समझदियां होयां दूरियां ते फासले खत्म करन लई 2020 विच एक बहुत ही वड्डा ते खूबसूरत कदम चुकिया ते दुनिया भर दे सिख धर्म दे मनण वालियां लई, खास करके इंडिया दे यात्रियां लई ए लांगा खोल के उस ख्वाहिश की तकमील की जिस दी अरदास सिख धर्म दे मनन वाले दिन रात अपनी इबादत विच करया करते सन। दाखले तो पहला हर एक नूं आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस तो गुजरना पैंदा है। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस तो बाद एक कार्ड जिहड़ा है मैनूं दे दिता गया है जिसनूं मैं संभाल के रखना है और इस कार्ड के नाल ही मैं इत्थों वापस जा सकांगा। पाकिस्तान दे सिख यात्री या मुसलमान वीर जदों गुरु घर के दर्शनों लई आंदे ने यह सारा प्रोसेस उन्हां नूं भी करना पैंदा है। मेरे दूसरी जानब जो दर्शनी ड्यूटी मौजूद है जिहड़े साढ़े वीर इंडिया तो यात्रा लई आंदे आ उन्हां लई दर्शनी ड्यूटी है और जिहड़ी इह वाली दर्शनी ड्यूटी है जिहड़ी पाकिस्तान दीआं संगतां ने ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਥਾਈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਇਦੋ ਜ਼ਵਾਬਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਕਵਾਇਦੋ ਜ਼ਵਾਬਤ गुरुद्वारे दे जगह जगह दे उपर लिखिया हुई ने कि तुसी गुरु घर दे विच कोई तंबाकू मछली पान वगैरह तुसी गुरु घर दे विच नहीं लिया सकते। गुरु घरां दे दर्शन लई जिहड़े साडे हिंदू मुसलमान भैण भरा गुरु घर आंदे ने उन्हां दे वाजे अल्फाज दे विच इत्थे लिखिया होया है कि अपना सिर ठाम के गुरु घर आण, क्योंकि गुरु घर दी एक सत्कार मर्यादा इहदे नाल हुंदी है। नाल दे नाल जोड़े भी इत्थे जमा करा के फिर गुरु घर दे अंदर इंट्री हो सकती है। सो आओ असी भी इस मर्यादा दा पालन करदे होए अपने जोड़े उतारदे हां और गुरु घर दे विच दाखल होंदे हां। सिख धर्म दे विच सेवा बहुत ही महानता रखती है। लोग बड़ी दूरों दूरों आ के इत्थे सेवा करते हैं, क्योंकि बाबा जी का भी फरमान है कि जिनी देर तक तुसी अपने आप नूं नहीं मिटाते तुहानूं रब नहीं मिलता। सो यह सारिया सेवावां बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ने। तुसी जिस भी मजहब तो हो, जिस भी रंग तो हो, जदों तुसी गुरु घर गुरद्वारा साहब दे विच आ गए तो तुसी सिर्फ इंसान हो। गुरद्वारा दरबार साहब की मरकजी दो मंजिला इमारत चारदवारी के बिल्कुल दरमियान विच वाकिया है।
चार मीनार ते एक खूबसूरत गुंबद ते मुश्तमिल ए इमारत दूरों ही दर्शन करन वालियां नू अपने वल खिंच लेंदी है। सेहन दे अंदर मौजूद बाबा जी दे नाम नाल मनसूब जाए तदफीन है। और उदे नाल ही हाल दे अंदर समाधि भी मौजूद है जिथे तमाम अकीदतमंद अपनी मखसूस अकीदत दा इजहार करते हैं। बाबा जी की समाधि ते हाजिरी देन तो बाद बालाई मंजिल ते वाके हाल नुमा कमरे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्शन भी कीते। इत्थे ग्रंथी साहब साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा पाठ करदे ने। खूबसूरत पालकी फानूस ते फुल बूटे इस जगह दी खूबसूरती नू चार चन्न लांदे ने। इस इमारत दे दरो दीवार ते बाबा जी दे फरमूदात और इंसानियत नू दित्ती गई तालीमात अकवाल दी शकल विच लिखे ने जिन्हां नू असी गुरबाणी आखदे हैं। ए गुरबाणी बाबा गुरु नानक देव जी दी तालीमात दा निचोड़ दी। इस इमारत दे अंदर इन्हां तमाम लोकां दे नाम भी लिखे हुए ने जिन्हां ने गुरुद्वारे दी पुरानी इमारत दी दोबारा तामीर विच अपना हिस्सा पाया।